और फिर अल्लाह ने फरमा दिया वकरना फी बयूतिकुन्ना, वैसे अपने घरों में टिक के बैठी रहना। और अल्लाह ने कह दिया वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने घरों में रहोगी तो अपने सरों की ओढ़नियों को अपने सीनों पर डाले रखना। और फिर अल्लाह ने कह दिया घरों से निकलना वला तबर्रुजना, तबर्रुजुल जाहिलियतिल उला, ये जो जाहिलियत की औरतों का तबर्रुज है ना, वो तबर्रुज ना करना। कैसे ना करना? वसलुहुन्ना मिन वरा हिजाब, मुसलमान औरतों से अब तुम्हें इंटरेक्ट करना है हिजाब। और फिर मेरे रब ने कह दिया युद्नीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, फाइनल हुक्म, मुकम्मल तरीका। और ये अहकामात आए, ये अमल के लिए नामुमकिन तो नहीं थे, जैसे जैसे आते गए थे सहाबियात इनके रंग में रंगती गई थी। और जब ये पूरे के पूरे हतमी अहकामात सूरह नूर और सूरह अहज़ाब के आए थे, तो सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन ये सब इन अहकामात की अतात करते हुए अपनी जलबाबों, अपने निकाबों, अपने हया के दायरे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले में उनके साथ शाना बशाना शामिल नजर आती है। क्या कह ले नहीं? उस दिन ही मैंने आपको वकर नफी बयूतिकुन्ना में बताया, ये जंगे भी लड़ती हैं, ये जख्मियों की मरहम पट्टी भी करती हैं, ये पानी भी पिलाती हैं, ये तलवार भी उठाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए, दीन की इरशाद भी करती हैं, दीन की तालीम भी करती हैं, इन्होंने हिफ्स भी किया, इन्होंने तबलीग भी की, इन्होंने तालीम और तदरीस के खेमे भी लगाए, लेकिन अपने हया और अपने निकाब और अपनी हिजाब के दायरे के अंदर रहकर, अपने हिजाब और अपनी जलबाब और अपने चेहरे के पर्दे के अंदर रह के इन्होंने शाना बशाना सब काम किए और करती रही। और ये काफिला चलता रहा, बहुत देर तक चलता रहा। फिर क्या हुआ? फिर एक सानहा हुआ, शैतान आया। शैतान ने उम्मत के मर्दों के दिलों में एक फितना डाल दिया, भाइयों बापों शौहरों के दिलों में फितना डाल दिया। ये तेरे पास तेरी मिल्कियत में